वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, जैसे कि आप लोग खुशी से पढ़ भी रहे होंगे कि और जहाँ तक सुनाई पड़ा है यूपी टेट का एग्ज़ाम भी टल गया है, यानी पोस्टपोन हो चुका है। तो खुश मत होइए कि पोस्टपोन हो गया है, तो जब डेट आएगी तो फिर से पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ते रहिए ताकि बर्डन ज़्यादा ना पड़े एक ही बार में। तो जैसे कि पहले की क्लासेस आप लोग स्लाइड देख के समझ रहे होंगे, घबराइए मत, फिर से ओरिजिन नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोग बोर हुए थे, हम समझ सकते हैं। और खैर, तो ओरिजिन ऑफ इंग्लिश में आप लोगों को जितनी भी चीज़ें बताई गई थी, शायद कोई कंफ्यूजन ना हो जहाँ तक हमें लगता है। अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। हम फिर से कह रहे हैं आप लोग को, जो भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट करके बताइए बिना हिचक के। तो जैसे कि ओरिजिन ऑफ इंग्लिश है, तो उसमें एक चीज़ रह गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि जो एंग्लो सैक्सन जनजाति है उसका नाम था एंग्लिस, जो जनजाति थी वो थी एंग्लिस, और एंग्लो सैक्सन लोग उस जनजाति के रहने वाले थे, और रहने वाले जो लोग मूलतः जगह थी वो थी एंग्लन। तो जब ये लोग ब्रिटेन गए तो वहाँ पे जब ये लोग अपना राज स्थापित किए, जो कबीले लोग थे एंग्लो सैक्सन लोग, जब ब्रिटेन गए अपना राज स्थापित किए, तो इंग्लैंड का नाम पहले एंग्लालैंड था। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, एंग्लालैंड था ब्रिटेन का नाम, सॉरी एंग्ला लैंड था। ठीक है, तो ब्रिटेन का नाम पहले एंग्ला लैंड था। तो एंग्ला लैंड से ये बना आपका ग्रेट ब्रिटेन। पहले तो ग्रेट ब्रिटेन ही बोलते थे ना, अब इंग्लैंड बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोलते थे, अब इसको क्या बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं। और इसकी राजधानी क्या है, लंदन। आप सबको पता होगा कैटरीना कैफ के बारे में, लगभग सभी लोग जानते होंगे, तो उनकी भी आपको बायोग्राफी पता ही, क्योंकि वो लंदन की रहने वाली हैं। तो खैर, उनके उस पिक्चरों के बारे में मत सोचिए, यहाँ आ जाइए। तो ग्रेट ब्रिटेन एंग्लालैंड था जब कबीले लोग वहाँ पहुँचे, यानी कि जब एंग्लस जनजाति ब्रिटेन पहुँची तो उसको एंग्लालैंड कहते थे, और एंग्लालैंड का बाद में नाम ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन के बाद वो इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। तो इसको, इंग्लैंड को यूके भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। वहाँ की क्वीन के बारे में पता ही है ना, एलिजाबेथ, कोहिनूर उन्हीं के पास है। तो किसी के अंदर अगर जोश जागेगा देशभक्ति का, तो जाके कोशिश करे ले आने की। खैर, पहले DLED कर लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी तो देखा जाएगा आगे। तो चलिए, इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। और एक चीज़ आप लोग नोट करिएगा, आपके उत्तराखंड को भी यूके कहते हैं, ये इंडिया वाला यूके है। हाँ, तो भावा में कहेगा यूके घूम के आए हैं, यानी कि उत्तराखंड घूम के आए हैं, इसको भी यूके कहते हैं। उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था, बाद में जब ये नाम बदला गया तो उत्तराखंड हुआ है। जैसे आपके उड़ीसा का नाम, अब आपका उड़ीसा है ना, जैसे हमने बताया था कि वहाँ उड़िया बोली जाती है, वहाँ उड़ीसा, सॉरी तिरछा हो रहा है, एक सेकेंड, तो उड़िया था ना वहाँ पे, दूसरी स्लाइड पर लिख दें, यहाँ ठीक है यहीं लिख देते हैं, आप लोग आएंगे फिर से ओरिजिन में पढ़ा रही हैं। तो उड़ीसा पहले क्या वहाँ पे बोली जाती है भाषा, उड़िया। तो अब आप इसको पढ़ते हैं, उड़ीसा हुआ है ना इसका नाम, पहले उड़ीसा था, उड़ीसा, यहाँ उड़िया भाषा बोली जाती है, उड़िया बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ उड़िया भाषा है। तो वैसे ही जैसे अब उड़ीसा का नाम चेंज करके उड़ीसा रख दिया गया, वैसे ही पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। क्या था, उत्तरांचल। फिर टेढ़ा हो रहा है, हम फिर से कह रहे हैं कि धीरे धीरे आदत बन जाएगी, बशर्ते हम कोशिश कर रहे हैं कि आदत बन जाए, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा आप लोग, तो हम जानते थोड़ा सा आप लोग कर लेंगे, आप लोग होशियार बच्चे हैं। तो ठीक है, तो उड़ीसा जो था पहले राज, अभी भी है, तो वहाँ अब उड़ीसा नाम हो गया है उड़ीसा, और पहले उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड हो गया है, ये इंडिया वाला यूके है। ठीक है, और ये इंग्लैंड वाला यूके, इंग्लैंड को ही यूके कहते हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो अगर किसी को कन्फ्यूज़न होगा कि यू
एस ए और यूके में क्या अंतर है? तो यही अंतर, यूएसए मतलब होता है आपका अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये इंडिया वाला यूके पता ही होगा, नेम प्लेट जो नंबर प्लेट लगती है वो यूके की लगती है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश है ना, तो आप लोग बाइक या स्कूटी या जो भी फोर व्हीलर चढ़ाते होंगे तो आप लोग पढ़ते होंगे UP 58, UP 32 ऐसा है, तो उत्तर प्रदेश हो गया। तो जब आप उत्तराखंड जाएंगे ना, तो आपको यूके के हिसाब से वहाँ के जिले का जो नंबर होगा या तो 01 मिलेगा या 02 मिलेगा, तो वो आपका उत्तराखंड का फोर व्हीलर या जो भी टू व्हीलर यूज़ करते, साइकिल नहीं बाइक और स्कूटी वगैरह, तो उस पर आपको नंबर मिलेगी। और आगे के डिजिट्स जो भी वो रखते जैसे आपके राज्य में रखते हैं, तो इतना सबको पता होगा कि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से कट के बना है, पता ही होगा, तो अच्छी बात है। बहुत से राज्य हैं जो एक दूसरे से कट के ही बने, जैसे बिहार से कट के आपका झारखंड बना है, और उत्तरा यूपी से कट के आपका उत्तराखंड बना है, आंध्रा से कट के आपका तेलंगाना बना है। तो आप लोग, और हाँ, तेलंगाना से अधिक अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि तेलंगाना और आंध्रा की राजधानी क्या है, तो दोनों की राजधानी सेम है, जो कि है हैदराबाद, ठीक है? इतना हो गया, तो थोड़ी सी जनरल नॉलेज की चीज़ें थी, तो सोचा आपको बता दिया जाए। तो अगर बोर हो रहे होंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा होते रहिए, इंग्लिश की क्लास है, लोग बोर ही होते, हम भी होते थे, तो क्या करते हैं। तो चलिए, जैसे हमने कहा था, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो ऑफेंड नहीं होगा, हम शुरू से पढ़ा रहे हैं एकदम ज़ीरो से, तो बहुत भागेंगे नहीं, आराम से आप लोग पढ़िए, आप लोग होशियार हैं, जल्दी सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना अगर क्लियर हो गया हो तो आगे चले, और कन्फ्यूज़न होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आते हैं, जैसे आपको पता है कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें 26 अक्षर होते हैं, आपकी हिंदी में 52 होते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए, 26 का गुणा करेंगे तो 52 ही आएगा ना, करके देखिए, तो यानी दुगने चलते हैं हिंदी में आपके। तो जैसे कि आपकी अंग्रेजी है, तो आपकी अंग्रेजी में भी जैसे आपकी हिंदी में होते हैं स्वर व्यंजन, वैसे आपके अंग्रेजी में भी होते हैं वोवेल कॉन्सोनेंट। तो जैसे आपकी हिंदी में आपको अ से पढ़ते होंगे, अ से अह तक, तो उसको स्वर में ले जाते होंगे, वो अलग की बात है कि अंग अह अयोवा हो जाते हैं, तो वो तो जब आप डीएलएड कर रहे होंगे तो आपने सारे वर्ण तोड़ तोड़ कर पढ़े होंगे, हर चीज़ का अलग अलग मतलब है। तो खैर, ये हिंदी की क्लास तो है नहीं, तो अंग्रेजी पे ही रहते हैं। तो जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं तो अ से अह तक आपका स्वर होता है, क से ज्ञ तक आपका व्यंजन होता है, तो वैसे ही अंग्रेजी में जब आप ए टू जेड पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका ए लिखना, आप लोग भी नोट डाउन करिए ताकि एक नोट्स बनी रहे। जिसको नहीं आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता और अच्छी बात है, और जल्दी सीखेगा और अच्छे से सीखेगा और क्लियरली सीखेगा। तो अगर आपको कोई चीज़ आती है तो इसका मतलब नहीं वो आता है तो नोट क्यों करें, कर लीजिए, आप ही के काम आएगा और क्लियर होते रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं, और थोड़ा सपने पे रहेगा कि हाँ हमको आता है तो आप शायद हमसे जल्दी लिख कर बैठ जाए। चलिए, अपनी स्किल आप खुद ही डेवलप करिए। तो जैसे कि अंग्रेजी सबने पढ़ी है तो आइए जानते, सबको पता भी होगा, लेकिन अब क्लास स्टार्ट हो रही है, हमने ज़ीरो से कहा था तो हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें आपके 26 अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर में आपके 5 अक्षर जो होते हैं वो आपके स्वर यानी कि वोवेल्स होते हैं, और जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होते हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं। अगर आपको राइटिंग अच्छी लगने लगेगी ना तो एक बार बोल दीजिएगा, तो हम उसी राइटिंग उसमें थोड़ा सा और अच्छा सुधार करेंगे ताकि आपको और अच्छी लगे। अंग्रेजी वर्णमाला, कितने अक्षर होते हैं सब लोग बताइएगा? 26। अब हमें सुनाई तो पढ़ नहीं रहा है, लेकिन समझ रहे हैं कि आप लोग बोले ही होंगे, खुद मन में ही बोले होंगे, लेकिन बोले होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26, जिसमें से आपके होते हैं 5 अक्षर स्वर यानी कि वॉवेल, ठीक है? तो वॉवेल्स आपके कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, ए ई
आई ओ यू, यही होते हैं ना। गलत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि मैम गलत है। चलिए, और बाकी के जो 21 होते हैं, 21 पाँच 26 ही होता है ना। हाँ, मैथ भी आपको पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन सर से खराब ही पढ़ाएंगे। सर बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 21 अक्षर होते हैं जो क्या होते हैं, व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो आपका ए ई आई ओ यू को छोड़ के ए, बाकी जो भी बी से लेके जेड तक के वर्ड होंगे वो होंगे। ठीक है, जैसे आपका बी, सॉरी डी हो गया। जैसे आपका बी, फिर आपका सी, फिर डी, ई देखिए यहाँ पे है तो ई होगा नहीं, तो एफ होगा, और फिर ई एफ जी होता है ना, हाँ जी एच, फिर ये आगे ऐसे जाता जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हो गए, उसमें से 5 अक्षर आपके वॉवल हो गए यानी ए ई आई ओ यू, 21 अक्षर हो गए आपके व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, बी सी डी एफ जी एच और आगे के जो भी अक्षर हैं वो आपके हो गए। तो अब आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो नाम लिखते हैं, जैसे कि किसी का नाम अगर साक्षी है, ठीक है, किसी का नाम अगर साक्षी है तो हम लोग उसका इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, एस ए के एस एच आई, यही लिखते हैं ना। आप सबकी अंग्रेजी हो सकता है हमसे बहुत बेहतर हो, यही लिखते हैं ना, तो साक्षी लिखते हैं। तो अब ये बनता कैसे है, तो जैसे कि अंग्रेजी अक्षरों से बने हिंदी अक्षर जो होते हैं, जैसे आपका ए है, ठीक है, तो ए को हम लोग हिंदी के अ से बनाते हैं। इंग्लिश में ए होता है, हिंदी के वर्णमाला में आपका अ होता है, और फिर आपका बी होता है, तो ये किससे बन जाता है, बी ब से बनता है। आपका जो भ होगा वो आपका बी एच होता है, पता ही होगा नाम लिखते हुए। जैसे किसी का नाम अगर भानु है तो आप लोग नाम लिखते होंगे ना, बी एच ए एन यू, भानु लिखते होंगे ना, वैसे ही। लेकिन आपका जो ये सी वर्ण आता है उसमें आप इंग्लिश में देखिए कम, मैम के हिंदी की क्लास जिसने भी ली होगी उन्होंने बताया था कि अंग्रेजी और हिंदी की तुलना में अंग्रेजी कठिन इसलिए है क्योंकि यहाँ अक्षर कम है हिंदी की तुलना में। देखिए हिंदी आपकी 52 अक्षर की होती है और आपकी जो अंग्रेजी है उसमें 26 अक्षर ही हैं, उसमें ज़्यादातर वर्ड्स जो हैं वहीं से उठा के उनको बनाने हैं। तो इसीलिए देखिए सी का जो प्रोनंसिएशन होता है वो क भी होता है और स भी होता है, जैसे हमने बताया था सेल्टिक और केल्टिक वाला, तो वहाँ से कनेक्ट करिएगा। तो आपका देखिए क से कूल हो जाता है, ठीक है, और स से सिटी हो जाता है, ये समझ में आया। तो सी का प्रोनंसिएशन इंग्लिश में दो जगह चलता है, क से भी चलता है, स से भी चलता है, तो क से कूल हो जाता है, स से सिटी हो जाता है। और डी है तो वो ड द उससे चलता है, तो अगर आप लोग को पता होगा तो लिखते अ से अहा तक लिखते हैं तो उनके नीचे सारी अंग्रेजी, लेकिन जैसे अ है तो उसके नीचे ए लिखेंगे, आ है तो उसके नीचे डबल ए लिखेंगे। जब हम लोग को नाम बनाना होता है किसी का इंग्लिश में तो हम लोग यही तरीका यूज़ करते हैं, अ अ ई होता है तो वहाँ पे बहुत लोग आई लिखते हैं, बहुत लोग ई लिखते हैं, जिसका जो मन, जैसे इशिता नाम है, ठीक है, कौन सा नाम है, इशिता, तो अपना अपना लिखने का तरीका है। ठीक है, तो इशिता बहुत लोग आई एस एच आई और टी ए लिखते हैं, और या तो बहुत लोग लिखते हैं ई लिखते हैं, एस एच आई और टी ए लिखते हैं, इशिता लिखते हैं। तो आई से लिखिए या ई से लिखिए, सॉरी ये छोटी ई है। फिर जब बड़ी ई की बात आती है तो उसको डबल ई लिखते हैं। आप लोग में से सब लोग दीपिका पादुकोण जानते होंगे, तो वो क्या लिखती हैं, उनकी नाम ऐसे, उनका नाम ऐसे लिखते हैं ना, दीपिका, तो वो डी डबल ई पी आई के ए लिखती हैं। उनकी फिल्मों को ना सोचिए, यहाँ देखिए, तो और बहुत ऐसे भी लिख सकती हैं वो अपना नाम, तो नाम है तो उनको ऐसे लिखना ही, वो ये भी लिख सकती हैं लेकिन वो लिखती ये हैं। तो वही है, अपने अपने अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना होता है। अब जैसे ऋतु होता है, ठीक है,
ऋतु होता है। तो असली देखा जाए तो री यू बनेगा, तो ऋतु की स्पेलिंग होगी आपकी एच आर आई टी यू, ठीक है। आपका जो री वर्ण बनता है, जो ऋतिक रोशन वाला है, तो वो आप लोगों ने उनकी मूवी देखी होगी ना, तो उनका नाम ऐसे लिखा होगा, ऋतिक होता है तो वो नाम ऐसे लिखते हैं एच आर आई टी आई के, ऋतिक ऐसे लिखते हैं। तो ऋतिक नहीं होता है कि आप लोग ये ह्री समझिए, ये नहीं होता है, ये होता है, ठीक है। ये हृदय वाला होता है ना, ये हृदय ऐसे लिखते हैं ना, जब हृदय लिखेंगे आपको हिंदी ऐसे बनानी है तो आप ऐसे लिखेंगे हृदय, ठीक है। और जैसे कि आप लोग तो हर्ट तो पढ़ते ही हैं, एच ई ए आर टी, मतलब का ब्रेक हुआ होगा। चलिए ब्रेकअप पे मत जाइए, आ जाइए वापस, अपने दोस्तों को नसीहत बाद में दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इसको हटा देते हैं। अब आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि नाम में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो जितने भी हिंदी की वर्ड अगर आप लोगों को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम एक बार एक स्लाइड पूरी इसी की बना देंगे, ताकि आप लोगों को नाम बनाने में दिक्कत ना। वैसे जब आप लोग भाई तेजस्वी बालक हैं तो आप लोगों को आता ही होगा, तो जिसको नहीं आता है खास करके उनके लिए, वो संकोच बिल्कुल भी नहीं करेंगे पूछने में, क्योंकि कोई शुरू से कोई चीज़ नहीं सीखता है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बिल्कुल ही नहीं आता है। हो सकता है हमको मैथ ना आती हो, वो कह सकता है सही बात है, वो तो सर डांट डांट के बहुत अच्छी पढ़ा दिए हैं, तो थोड़ी बहुत आ जाती है, काम चलाओ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ऋतिका है तो ये लिखना तो यूँ चाहिए, ठीक है। ऋषिता है तो लिखना तो यूँ चाहिए, लेकिन गलत ही लिख दिए तो फिर क्या कर सकते हैं, तो ये आर आई हो जाता है, लेकिन होना चाहिए असल में एच से। तो आप लोग को समझ में आएगा कि जो री होता है वो आपका एच आर आई से बनता है, ठीक है। जैसे कि ई हो गया ना, तो आप यू ऊ पढ़ते होंगे तो यू लगाते होंगे, बड़ा ऊ पढ़ते होंगे तो बड़ा ओ लगा डबल ओ लिखते होंगे, तो ऐसा ही होता है। तो जैसे बहुत लोग का नाम सूरज होता है, ठीक है, क्या होता है सूरज, तो जो सूरज होता है तो बहुत लोग एस यू आर सॉरी, आप लोग सोचते हैं मैम कितना सॉरी बोलती हैं, गलती है तो माफ़ी मांगने में क्या जाता है सूरज। तो ऐसे होना तो ये चाहिए, अगर मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो होना तो ये चाहिए, लेकिन लिखते लोग ये हैं, तो व्यवहारिक लोग ये लिखते हैं, असलियत में ये चलता है। तो बस अगर आप लोग को इतनी चीज़ें समझ आई हों तो आगे चला जाए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आप लोग एक चीज़ नोट करिएगा कि आपका जो फ होता है, ठीक है, जिसको कन्फ्यूज़न होगी वो अभी क्लियर हो जाएगी। जैसे आपका जो फ होता है हिंदी में, फ सॉरी एक कर्सर गायब हो जाता है थोड़ा सा हमसे, तो जो आपका फ होता है, एक सेकंड मिल गया तो अच्छे से लिखते, जो आपका फ होता है, फ होता है ना फल, फ से फल, ठीक है। तो हिंदी की क्लास नहीं है, आई रिपीट, हिंदी की क्लास नहीं है। तो जो आपका फल होता है, ये इसका प्रोनंसिएशन आप जब वर्णमाला के अकॉर्डिंग करेंगे ना, जब ट्रांसलेट करते हैं तो पी एच होगा, क्योंकि प जो होता है उसका होता है, प से पपीता, वो होता है पी ए, और आपका फ जो होता है वो होता है पी एच ए। तो यानी कि अब आप इसको फ जो है आप एफ से भी कर सकते हैं प्रोनंसिएशन, तो आपका एफ से भी उसका प्रोनंसिएशन होता है एफ से। हम अच्छे से लिखते हैं एफ, ठीक है। तो आप पूछिए ये अंतर क्या है, तो जब आप बोलते होंगे ना ज़िंदगी में फेज़ आता है, तो फेज़ आप पी फिर टेढ़ा हो गया सॉरी, तो जो आपका फेज़ आता है, आप कहते हैं मैं बहुत कठिन दौर चल रहा है, तो उसको फेज़ बोलते हैं ना आप लोग, फेज़ ये बोलते हैं, ठीक है। आप फ्रेज़ पढ़ते होंगे, इडियम्स और फ्रेज़ जिसने पढ़ा होगा, इंटर तक तो लगभग सभी ने पढ़ा होगा, तो फ्रेज़ होता है ना। तो अब जब आप ये लगते हैं, जब आप कहते हैं मुझे अपनी लाइफ में कंसंट्रेट करना है या फिर फोकस करना है, तो ये फोकस आता है, ठीक है, फोकस होता है।
तो आप लोग कंफ्यूज, बहुत लोग अपना नाम एफ से भी लिखते हैं, बहुत लोग अपना नाम पी एच से भी लिखते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग अपना नाम कैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत लोग का नाम फूलचंद होगा तो एफ डबल ओ एल तो लिखेंगे नहीं, तो मूर्खचंद हो जाएगा। तो चलिए हंसिए मत ज़्यादा, वो नाम होता है फूलचंद, तो वो लोग ये लिखते होंगे पी एच, फिर यहाँ हो गया, हाँ पी एच, पी एच डबल ओ एल सी एच ए एन डी, ये लिखते होंगे, ये नहीं लिखेंगे, नहीं तो लोग नाम पढ़ के ही हंस देंगे। ठीक है, फूलचंद नहीं लिखते होंगे। तो आप लोग को समझ आएगा कि ये अपने सुविधा के अनुसार लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोग मत किसी का नाम ये लिख दीजिएगा, अगर किसी के घर में किसी का नाम होगा तो कोई ऑफर नहीं होगा, हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। वो फूलचंद नाम रखने से कोई फूलचंद थोड़ी ना हो जाएगा, मतलब फूल है मूर्ख वाला। चलिए ऑफर मत होइएगा, आप लोग रिलैक्स रहें, बहुत प्रेशर ना लें, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं वेट पढ़ाई का। वैसे भी आप लोग बहुत पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा दिमाग चढ़ जाता होगा, मतलब गर्म हो जाता होगा कि कितना पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं हिंदी की मात्राएं होती हैं अंग्रेजी अक्षर के अनुसार बनती है ना, कि हिंदी मात्राओं के लिए अंग्रेजी अक्षर जो प्रयोग होते हैं वो चीज़ देख लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। नोट आप लोग उम्मीद करते हैं कर लिए होंगे, अगर जिसका भी नहीं हुआ होगा ऑनलाइन वीडियो में जाके फिर से नोट कर लेगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगी वहाँ पर, सत्यम क्लासेस में ही मिलेगी आपको ये वीडियो, इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अब जैसे आ की मात्रा है, तो जैसे हमने बताया ना कि किसी का नाम बताना होता है तो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला को हिंदी से कैसे कनेक्ट करके बताते हैं, तो वैसे ही होता है। तो अब जैसे आ की मात्रा है, जैसे मान लीजिए है राघव, राघव है, ठीक है, तो ये आ की मात्रा है, कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। ठीक है, जो रमन होगा उसमें भी आपका ये वाला अ चलेगा, तिरछा हो रहा है, सॉरी सीधा लिख देते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहिए, हैबिचुअल जब हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे आपका राघव है, क्या है, राघव, ठीक है, तो आप जो राघव की स्पेलिंग लिखते हैं आर ए जी एच ए वी लिखते होंगे, बहुत लोग व को वी को यानी कि व को डब्लू भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि रवि है, तो यहाँ पे तो रवि हो गया, और आपका जो ऐश्वर्या है या अश्विन है, तो अश्विन लिखते हैं तो ए एस एच डब्लू आई एन लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि व को वी भी लिख सकते हैं और डब्लू भी लिख सकते हैं। ऐश्वर्या रहे हैं, ये मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं 1994 में, तो आपको पता ही है कि वो अपने नाम में भी डब्लू ही यूज़ करती हैं, तो अब फिलहाल उनकी मूवी का मत सोचने लगेगा, आप लोग मूवी सोचने लगते हैं, खैर तो ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये रमन है, तो इसमें जो मात्रा लगी है वो आ की मात्रा लगी, यानी कि आम वाली मात्रा लगी है, और ये अ से अनार में कोई मात्रा नहीं लगती है, वो सिर्फ ए का साउंड आता है। ठीक है, ये लोग बहुत लोग क्या करते हैं ना, डबल ए भी लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका रावी है, रावी नदी है ना, तो फिर टेढ़ा हो गया, सॉरी, तो जैसे आपका रावी है, ठीक है, रावी है, तो उसको आप लोग अभी आर ए वी आई लिख दीजिए इसकी तरह, तो ये आपका रवि ही बनेगा, क्या बनेगा, रवि बनेगा ये। ठीक है, और लेकिन इसको एकदम क्लियर करने के लिए क्या लिखा जाता है, आर डबल ए वी आई ये लिखा जाता है, ताकि रवि और रावी में कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। तो रमन की स्पेलिंग क्या होती है, आर ए एम ए एन, ठीक है, तो ये आपका ऐसे बनता है। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे फोन नंबर्स के बारे में भी जान लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो किसी को पिछली क्लासेस में कोई दिक्कत तो हुई तो नहीं होगी, हम उम्मीद यही करते हैं हुई होगी। भाई दिक्कत तो उसका कुछ नहीं कर सकते, बस उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं,
तो आप लोग बता दीजिएगा आप लोग को दिक्कत कहाँ हुई थी। ठीक है, कोई इसमें इरिटेशन की ज़रूरत नहीं है कि अब हम इरिटेट होंगे या नहीं। क्यों होंगे, आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इरिटेट होंगे, तो सोचा हम ही को इरिटेट कर लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो यानी हम अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम उसको अच्छे से डिराइव नहीं कर पा रहे हैं, आप तक हम उस चीज़ को पहुँचा नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल पूछिए, हम थोड़ा सा ये भी नहीं है कि हम ऑफेंड हो गए, बिल्कुल नहीं, हमारा काम है आपको अच्छे से समझाना, आपका काम है उस चीज़ को समझना, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि संख्याएं होती हैं ना, जैसे आप लोग रोमन अंक पढ़ते होंगे कि ऐसे पढ़ते हैं ना, रोमन अंक ऐसे ऐसे पढ़ते होंगे, फिर ऐसे पढ़ते होंगे, टेढ़ा हो रहा है, हम समझ रहे हैं, कह रहे हैं आदत बन जाएगी, तो इसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ऐसे, फिर इसको ऐसे, अंग्रेजी के ये होते हैं ना, हिंदी में तो यूँ चलता है, यूँ वाला चलता है, हिंदी भी बता दे रहे हैं यूँ चलता है। ठीक है, ये फोर होता है तो आपका हिंदी में ऐसे चलता है, ऐसे करके। ठीक है, और बाकी के जो आपको आते ही होंगे, सौ तक तो लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग होशियार हैं तो आप लोग को पता होगा, तो ऐसे होता है, इसको हम अच्छे से लिखते हैं, वरना कहेंगे मैम ये क्या कीड़ा मकोड़ा बना दी हूँ, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, तो आपका ये रोमन होता है, ये आपका रोमन संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये आपकी अंग्रेजी की संख्याएं होती हैं। ठीक है, आप लोग 1 से 100 तक की गिनती एक सांस में हिंदी वाली गिन सकते हैं, लेकिन आप लोग 1 से ट्राई करिएगा इसको, आप लोग इंग्लिश की गिनती 1 सांस में 100 तक नहीं गिन पाएंगे, ये ट्राई करिएगा, और ये भी ट्राई करिएगा कि आप एक बार ही 1 से 100 तक की गिनती 1 सांस में गिन सकते हैं, ट्राई करिएगा इसको, थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए मस्ती मस्ती में, तो चलिए अभी मैं ट्राई करिए बाद में। तो अंग्रेजी हो गया, ये आपका हिंदी का गिनती होता है। ठीक है, जो इकाई वाला पढ़ते हैं, ठीक है, ये हिंदी की गिनती होती है। तो अब इसको क्या कहते हैं, और ये जो आपका फर्स्ट होता है, जैसे आप लोग लिखते हैं ना फर्स्ट, फिर ये लिखते हैं सेकंड, फिर लिखते हैं थर्ड, फिर ये लिखते हैं फोर्थ, ऐसे लिखते हैं ना फोर्थ, तो ये आपका क्रम सूचक होता है। ठीक है, क्रम सूचक होता है, क्या होता है, क्रम सूचक, ये आपका क्रम सूचक होता है, और इसको आप लोग पढ़ ही लेंगे, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं, फिफ्थ होता है, सिक्स होता है, सेवन्थ होता है, एट्थ होता है, नाइन्थ होता है, टेंथ होता है। ठीक है, तो आपका जब आप 20 तक आएंगे ना, 19th के बाद जब 20 पे आएंगे, तो ये 20 के बाद जब आप आते हैं, तो जब 21 पढ़ते हैं ना इसको, तो ये 21st होता है। ठीक है, तो आपकी सेंचुरी भी 21st ही चल रही है। ठीक है, तो ये 21st होता है, तो जिसको कंफ्यूजन होगा वो समझ जाएगा, इसको 21st पढ़ते हैं, आप लोग देखते होंगे ऐसे लिखा होता होगा, 22nd होता है, यही चीज़ उठा के रख दी जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया, इसको रिलीज करते हैं। जिसको जैसे जैसे नहीं समझ में आ रहा होगा, कॉपी में अपना क्वेश्चन नोट करते जाएगा, बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा कि हमको यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई थी, हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग देखिए, संकोच होता है पूछने में, हम समझ सकते हैं, लेकिन वो जब ज़्यादा क्लास चल रही हो तब ज़्यादा संकोच होता है, जब आप अकेले में पढ़ रहे हैं तो क्या संकोच, फिर आप संकोच करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें फेस कर चुके हैं ना, आप अभी नहीं समझेंगे ना तो फिर आपके एग्ज़ाम में या फिर कभी ज़िंदगी में ही आ जाए तो आप सोचेंगे कि एक बार पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए इंसान फेस करता है तो समझ जाता है अच्छे से। ठीक है, तो हम नहीं चाहते आप लोग कभी ये सारी प्रॉब्लम फेस करें, तो इसीलिए। तो चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि आप ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये जैसे आप लोग रोमन में पढ़ते होंगे एक्सेल, कपड़ों का साइज़ नहीं है एक्सेल, डबल एक्सेल भी होता है ना, तो कपड़ों का साइज़ तो होता ही होता है, लेकिन आपका ये आप देखते होंगे कपड़ों के साइज़ पे भी ऐसे ही रोमन ही लिखा होता है। देखिए कितना अच्छा एग्जांपल मिल गया आपको, कि एग्जांपल के लिए आपको देखिए कपड़े का जो ये एक्सेल होता है, आप लोग कपड़े की जाते होंगे शॉपिंग करने, तो और अब तो कोरोना है तो भाई बहुत लोग जाते नहीं होंगे, तो जो भी लड़के हो चाहे लड़कियाँ, शॉपिंग दोनों को पसंद होती है, तो लड़के ये नहीं सोचेंगे लड़कियाँ शॉपिंग करती हैं, ज़्यादातर लड़के ही दिखेंगे,
चलिए देखते हैं। तो आप कपड़े की साइज़ भी देखते होंगे, तो डबल एक्सेल ऐसे लिखी होती होगी, ये एकदम फुल साइज़ है, वो बहुत अच्छे खाते पीते घर के होते हैं ना, उनके लिए। खाते पीते घर के मोटा मत कहिएगा, खाते पीते घर का कहिएगा तो अच्छा लगेगा उनको। तो ये मोटा कहेंगे तो हो सकता है आपसे हेल्दी ज़्यादा हो, एक आध चपेट दे दें तो फिर आपको भागने में दिक्कत होगी। तो चलिए ये खाते पीते घर का कहा करिए, ऐसे ही चीज़ सीख लीजिए। तो ये देखिए एक्सेल हो गया, ये डबल एक्सेल हो गया। तो आप लोग जानते हैं ये जो एक्स होता है इसको 10 बोलते हैं अंग्रेजी में, पता है ना, 10 बोलते हैं ना। और एल को क्या बोलते हैं, 50 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 50, सॉरी ये देखिए ये एल को जो बोलते हैं वो 50 बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सेल है और ये आपका डबल एक्सेल है, तो ये सिर्फ एल का हम वैल्यू बताए हैं 50, और ये सिर्फ एक्स का बताए हैं, ठीक है। ये आपके कपड़ों की साइज़ होती है ना। तो देखते हैं एक चीज़ आगे, इसमें इसको इरेज कर देते हैं, बस एग्जांपल के लिए था कि आपको समझ में आ जाए। देखिए एक चीज़ आपको दिखाते हैं इसमें। तो जब आप लोग क्लास लिखते हैं ऐसे अपनी कक्षा लिखते हैं ना, कि आपके जब आप छोटे रहोगे तो लिखते होंगे क्लास, ये सेवेंथ लिख देते होंगे बहुत लोग भाव भाव में, ये ऐसा लिखते होंगे ना, ये गलत है, ये अशुद्ध है। आप क्लास के आगे जब भी लिखेंगे तो आप या तो फर्स्ट है तो यूं लिखेंगे, ठीक है। आप लोग देखते होंगे लिखा होता होगा, ये ऐसे लिखते होंगे, ऐसे, सॉरी ऐसे, ठीक है। और आप लोग बहुत लोग ऐसे लिखते होंगे क्लास, ये वाला जो होता है क्लास, जो एट्थ में पढ़ते होंगे ये लिखते होंगे, ये सही रूप है, क्योंकि रोमन संख्या क्लास के आगे लिखी जाती है। आप ये क्लास एट ऐसे लिख देंगे ना, क्लास एट, तो ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ठीक है। शुद्ध ये है रोमन संख्या वाला, ठीक है। इतना आई होप समझ में आया होगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बस जान लीजिए नॉलेज के लिए, कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये तरीका गलत है, हर चीज़ का एक रूल होता है। तो अंग्रेजी ऐसी चीज़ है जो कुछ तो एक्सेप्शन्स हैं यानी अपवाद हैं, तो क्या करेंगे, आपका सिर्फ दिमाग का दही होता है कभी कभी इंग्लिश में। आप पोएट्री कभी पढ़िएगा, किसी को भी नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी अगर उसको इंसोमेनिया है तो, बस आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी नींद आएगी। तो अभी मत पढ़ने बैठ जाएगा कि नींद आ जाए तो क्लास रह जाए, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे कि आप लोग को नाम लिखना तो आता ही होगा, आप लोग जैसे हमने एक बार बता ही दिया है, तो ठीक है आगे देखते हैं। आपको और क्या बताएं इसमें, तो जैसे कि नाउन है, तो नाउन तो आपको हम एक लाइन में भी समझा सकते हैं और बहुत अच्छे से भी समझा सकते हैं। तो नाउन का चैप्टर बाद में करते हैं क्योंकि उसमें वो लेंदी है, तो आपको शुरुआत से थोड़ा सा बताते हैं। तो शुरुआत में आपको पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता देते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता है किसी को, अगर नहीं पता तो अभी समझ जाएंगे। आपको ये स्लाइड में भी मिल जाएगा, जब आपके पेड कोर्स चलेंगे तो आपको स्लाइड में मिल जाएगा, और अभी तो ऐसे समझ लीजिए। जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, ये एरो नहीं होगा इसमें, प्रेडिकेट, तो ये आपका होता है उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। ये सब्जेक्ट आपका कर्ता वाला नहीं, उद्देश्य, इसमें आपका ये चलेगा, उद्देश्य चलेगा, इसको विधेय कहते हैं, ठीक है। ये आपका विधेय होता है, जैसे आप बोलते हैं ना I'm going या I am going, ठीक है। तो जब ये आप ये बोलते हैं ना, तो आप इसके बारे में कह रहे हैं कि मैं जा, तो ये आपका जो है सब्जेक्ट, ये उद्देश्य यानी कर्ता ही, आप इसको समझिए कि यहाँ पे उद्देश्य भले लिखा है लेकिन आप इसको कर्ता जैसे ही समझिएगा, लिखा वहाँ उद्देश्य ही जाता है, कर्ता नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है सब्जेक्ट, और ये बच्चे जितने भी वर्ड हैं ये आपके हो जाते हैं प्रेडिकेट। क्या हो जाते हैं, प्रेडिकेट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है शी इज ब्यूटिफुल, ठीक है। हाँ, लड़कों के बारे में भी लिख दे रहे हैं, ही इज हैंडसम,
अब देखिए इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप लोग समझिए, लड़कों के लिए हैंडसम यूज़ होता है, ब्यूटीफुल यूज़ नहीं होगा, और लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल यूज़ होता है, हैंडसम यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो किसी लड़के को मत कह दीजिएगा यू आर लुकिंग हैंडसम, ठीक है, ऑफेंड हो जाएगी। और लड़कियाँ अगर लड़कों को ब्यूटीफुल बोल देते हो वो ऑफेंड हो जाएंगे, ये सब गलती मत करिएगा। और कभी भी किसी मोटे आदमी को मोटा मत कहिएगा, खाते पीते घर का कहिएगा, हम रिपीट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सी इज़ ब्यूटीफुल हो गया, ही इज़ हैंडसम हो गया, तो ये आपका शी जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, बच्चा जो ये सारा ये आपका प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट, सॉरी प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। और ये आपका यही सेम चीज़ ये भी है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी प्रेडिकेट है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया, ठीक है। तो आगे अब आपको ये बताते हैं, आपको दिस डेट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसलिए बता दिए छोटा सा क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी, मतलब आप लोग जब वर्ब के बारे में पढ़ेंगे ना तो उसमें प्रेडिकेशन के बारे में पूछता है, तो बहुत जो डीप पढ़ाएगा वो आपको बताएगा, ये चीज़ हम बताएंगे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो। वैसे आप लोग ज्वाइन करिए, पढ़िए, क्योंकि आपकी एक नॉलेज गेन होगी और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, जैसे आपका जो इट वर्ड आता है ना, एक हम आप लोग जानते रहिएगा, इट जो है ये आपका छोटे मोटे जानवरों के लिए यूज़ होता है, जिसका जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं ना बारिश हो रही है, तो ये थोड़ी कहते हैं कि रेनिंग, नहीं बोलते हैं इट, तो बारिश जानवर नहीं है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, इट इज़ रेनिंग होता है ना, सॉरी रेनिंग होता है ना, रेनिंग, तो जो आपके जानवर होते हैं, तो जैसे होता है द डॉग, ठीक है, डॉग होता है, कैट होता है, द डॉग हो गया, द कैट हो गया, या द मत लगाइए इसको, डॉग हो गया, कैट हो गया, तो कैट हो गया, तो इनके लिए भी इट यूज़ होता है, छोटे मोटे जानवरों के लिए ना इट यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, इट यूज़ होता है, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे इट जो है आप चूहे के लिए, मतलब जो भी छोटे मोटे जानवर या कीड़े मकोड़े हैं या नपुंसक चीज़, सॉरी नपुंसक कह रहे हैं, जो न्यूटर जेंडर होते हैं, यानी कि हाँ वो नपुंसक ही बोलते हैं ना, वो जो होती हैं उनको, उनके लिए भी आप इट ही यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनमें जान नहीं होती है, वही सारी चीज़ें। तो इतना समझ में आया आपको, तो चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। अब आप हमको जितना पढ़ा है उसमें अगर कुछ ना समझ में आया हो ना तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और अगर आपको लगा होगा कि कोई कुछ हम गलत बताए हैं तो भी आप लोग बता सकते हैं, तो इतना कोई वो नहीं है कि हम सर्वज्ञाता हैं या आपको बहुत कुछ, आप खुद कभी ये मत समझिएगा, कोई कभी ये ना समझे, चाहे हम हुए चाहे आप हुए, कि हमें सब आता है, नहीं हो सकता है हमें जो आता हो आपको ना आता हो, या आपको जो आता है हमें ना आता हो, तो वो अलग का मैटर है, लेकिन आप लोग कमेंट करते रहिएगा जो चीज़ नहीं समझ में आती है, क्योंकि पूछेंगे तो भी सोल्यूशन मिलेगा, कोई अंतर्यामी तो है नहीं, बस इसीलिए बता रहे हैं आपको बार बार कि आप लोग बस पढ़ते जाइए, क्योंकि पढ़ते रहेंगे ना तो चीज़ें आपको नॉलेज के रूप में गेन होती रहेंगी, और हमको पता है वैसे भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं तो टाइम तो मिलता नहीं होगा, लेकिन अगर कभी मिले तो आप लोग, बहुत लोग कहते हैं ना इंटरनेट यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको इंटरनेट जो भी आप फेसबुक इंस्टा कुछ भी चलाते होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी मिल जाती होंगी, खास करके जब ट्रांसलेशन की बात आती है तब बहुत लोगों को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती होगी, तो टेंस जब आप लोग को पढ़ाया जाएगा तो आप लोग ट्रांसलेट भी अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि आपका ट्रांसलेशन टेंस पे ही बेस्ड होता है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, सॉरी
सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया बोलने में। तो जैसे आप लोग सिंगुलर और प्लूरल नंबर जानते होंगे, यानी कि एक वचन और बहुवचन के बारे में जानते होंगे, तो आपका एक वचन सबको पता होगा। तो अभी हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग जरा माइंड में उसको कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि आप लोग सही सोचे थे या गलत सोचे थे, ठीक है। आपके यूपी टेट का क्वेश्चन है और दो बार, जहाँ तक हमने पेपर देखा, दो बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा उस चीज़ को। एक वचन और बहुवचन होता है, तो एक वचन को आप लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर। क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। फिर आपका बहुवचन क्या होता है, प्लूरल नंबर, ठीक है। प्लूरल नंबर हो गया, तो बहुत लोगों को बोलने में दिक्कत होगी, तो इसका हम हिंदी लिख देते हैं, प्लूरल होता है, ठीक है, प्लूरल। आप लोग एक ट्रिक याद रखिए, अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो उसको आज आप जान लीजिए कि अगर आपको अंग्रेजी का कोई वर्ड आपको कठिन लगता है बोलने में, तुरंत उसको ट्रांसलेट करिए हिंदी में, आपका प्रोनंसिएशन यानी कि आपका उच्चारण सही हो जाएगा। ये आप लोग प्रोनंसिएशन की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, PRON, प्रोनाउन लिखते हैं ना, प्रोनाउन, ठीक है। फिर सिएशन लिखते हैं, सिएशन लिखते हैं ना, तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनंसिएशन होता है। क्या होता है, प्रोनंसिएशन, ठीक है, ये प्रोनंसिएशन होता है। सोचिए इंग्लिश इतनी घुमाती है, इसको हम साफ करके लिख देते हैं, जिसको नोट करना होगा कर लेगा। हाँ, तो ये होता है प्रोनंसिएशन, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन मत कहिएगा, ये गलत है उच्चारण। आपका जो वेडनेसडे पढ़ते होंगे ना, कि संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो ये वेडनेसडे नहीं होता है। ये छोटी छोटी इंग्लिश की गलतियाँ हैं, आप सुधार लीजिए इनको आज से और अभी से सुधार लीजिए, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी अंग्रेज़ी बोलें ना, अगर आपका प्रोनंसिएशन नहीं अच्छा है तो आपको, जानते हैं हमारे देश में, आपको विदेश वाले बाद में पहले मूर्ख बोलेंगे ना, आपके देश वाले ही पहले बोल देंगे, तो ठीक है। तो आपका स्किल जो है ना, आपका ये अच्छा करिए, अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो प्रोनंसिएशन भी उसके साथ अच्छी करिए, क्योंकि अंग्रेज़ी सिर्फ एक स्किल है, हमने पहले भी कहा, एक सिर्फ टैलेंट है जो आप लोग अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो होता है, ये आपका वेडनेसडे नहीं होता है, वेडनेसडे नहीं होता है, वेंसडे होता है, वेंसडे होता है, ठीक है। तो आप लोग ये आज से नोट कर लीजिए कि आपका ये प्रोनंसिएशन होता है और ये वेडनेसडे ना होकर वेंसडे होता है। तो छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका उच्चारण गलत तरीके से किया जाता है और हम लोग कर भी रहे थे, लेकिन अगर उसको जान लें तो अच्छा होगा। अगर आप लोग को पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो आज से जान लीजिए, ठीक है। ये सारी मिसलेनियस सी चीज़ें हैं, मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी पर ना बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना पिज्ज़ा बोलते हैं, तो बहुत लोग पिज्जा बोलते हैं तो बस वहीं से लोग समझ जाते हैं गंवार है, तो गंवार नहीं है वो उसका प्रोनंसिएशन ही वही है। हो सकता है उसको वो इन्वायरमेंट ना मिला हो, तो वही सारी चीज़ें हैं। जैसे पिज्ज़ा होता है, खाने का मन कर गया क्या, बाद में खा लीजिएगा, अभी कोरोना चल रहा है, जैसे पिज्ज़ा होता है, ठीक है। तो ये बहुत लोग इसको पिज्जा बोलते हैं, पिज्जा नहीं होता, इसको पिज्ज़ा बोलते हैं, ठीक है। प्रोनंसिएशन थोड़ी सी आपकी, जान लीजिए आपकी पर्सनैलिटी को ना, आपकी प्रोनंसिएशन ही दूसरों के सामने प्रदर्शित करती है, प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इतना जानिएगा, इसको पिज्ज़ा मत बोलिएगा, पिज्ज़ा होता है। आज से ये चीज़ जानिएगा कि किसी भी होटल में जाएगा तो बहुत लोग बोलते हैं ना, आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ का वेटर ही आपको बेवकूफ़ समझ लेगा अगर आपने पिज्ज़ा बोल दिया तो। पिज्ज़ा नहीं होता है, पिज्ज़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी नोट कर लीजिए, क्योंकि आपने एक ऐड भी देखा होगा, उसमें कैसे ही उसके ऑफिस के लोगों ने उसका मजाक बनाया था, तो अब गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च मत करने लगेगा वो ऐड, बाद में सर्च करिएगा, इतना बता दे रहे हैं। तो आप लोग ये चीज़ जानिए, अगर आपको कोई भी हिंदी का या इंग्लिश का नहीं समझ में आता है वर्ड, तो उसको आप तुरंत ट्रांसलेट कर लिया करिए, बहुत अच्छा तरीका है।
इजी तरीका है किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखने का। अब जैसे प्लूरल है तो बहुत लोगों को टंग ट्विस्ट हो जाता होगा, तो हम समझ सकते हैं। बहुत लोगों को रोलर में ही हो जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि उनकी टंग ट्विस्ट थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि हो सकता है उनका क्षेत्रीय इलाका जो है या जो लोग यहाँ रहते हैं वहाँ वो चीज़ ना बोली जाती है। जैसे आपके यूपी में ना ये कभी कभी कुछ लोग इस श को स से उच्चारित करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, तो ये भी इसको श बोलते हैं, ठीक है, इसको स बोलते हैं। तो दोनों में अंतर है, तो है तो ये उसमें व्यंजन ही, तो फिलहाल उसमें नहीं जाते हैं हिंदी में, वो मैम का टॉपिक है, वो पढ़ाएंगी आपको अच्छे से और पढ़ाती भी अच्छा है। तो अब इतना ही समझिए कि आपकी बोल आपके बोलने का तरीका बहुत मायने रखता है। किसी भी चीज़ को अगर आप जानते हैं तो उसके बोलने के तरीके को भी जानिए, ठीक है। तो ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्ञान और लेते हैं। तो ये जो आपका एक वचन बहुवचन होता है, तो आप लोग को पता ही है कि बॉय है अगर सिंगुलर तो बहुत ज़्यादा लड़के हो गए तो बॉयज हो जाएगा, गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर ऑक्स है तो क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे कि ई एस लिखेंगे, बताइए। तो ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, और आपको एक ऑप्शन और देते हैं, ये होगा या फिर नन ऑफ होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, आप बताइए। तो अगर किसी ने ये कहा है अच्छा, ये कहा है तो भी अच्छा, ये कहा है तो भी अच्छा, आपके यूपी टेट का क्वेश्चन है, इसको ऑक्सन बोलते हैं। और यहीं पे लोग धोखा खाते हैं, यहीं पे खाएंगे, जब भी खाएंगे यहीं पे खाएंगे, क्योंकि हम लोग या तो यस पढ़े हैं या तो फिर यस पढ़े हैं, यहीं पढ़े हैं ना, यहीं पे धोखा खाते हैं। तो ये ऑक्सन होता है, ये याद रखें, ये आपके यूपी टेट का क्वेश्चन है। और ये दो बार हम देखें, दो साल रिपीट किया है ये क्वेश्चन, तो चलिए इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। जैसे कि आपका होता है ना बॉक्सेस, सॉरी बॉक्स होता है, तो आप लोग उसको बॉक्सेस लिख देते हैं, बॉक्सन तो लिखते नहीं है, तो अंग्रेजी ऐसा है ना तुरंत घुमाएगी आपको, तो यही अंतर है, देखिए देखिए ना, तो ये गलत है, इसको मैं सही करिएगा, ये सही है, ये आपका ऑक्सन होता है, ऑक्सेस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका यूपी टेट का मैंने बता दिया है आपको। तो इतना हो गया, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। अब आप लोग वो तरीका अप्लाई करिएगा अपनी ज़िंदगी में, देखिएगा आपकी इंग्लिश कितनी बेहतर हो जाएगी। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो आपसे जान ले, ठीक है। तो चलिए आगे का भी कुछ और देख लेते हैं। क्लासेस अगर आपको बोरिंग लगती हो ना तो भी आप बता दिया करिए, अच्छी लगती हो तो भी बता दिया करिए, बोरिंग लगेंगी तो एक क्रिटिक हो जाएंगे आप थोड़े से हमारे, तो हम उसको और सुधार करेंगे। अगर अच्छी लगेंगी तो सपोर्टर रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, चलो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। देखिए ज़िंदगी में ना क्रिटिक भी होना बहुत ज़रूरी है, वही आपके समझ लीजिए अच्छे सपोर्टर होते हैं, आपको बेस्ट बनने में मदद करते हैं, ठीक है। सपोर्टर तो हैं, वो आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होने देते, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा दो तरह के लोग मिलेंगे, तो बेहतर होगा कि आप लोग पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहिए, क्योंकि आपको वो हमेशा मोटिवेट ही करेंगे। तो आप किसी लड़की को मत कह दीजिएगा मोटिवेट गेन कर रही है, मोटिवेट नहीं वो मत कहिएगा, मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, चलिए थोड़े से आपको आज ट्रांसलेशन सिखाते हैं। बचपन में आप लोगों ने बहुत सीखी होगी कि दिस इज़ अ पेन, दैट इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ गर्ल, दैट इज़ अ काउ, सब सीखा होगा। तब आप लोग को ये अंतर पता है कि दिस कब यूज़ करते हैं, दिस कब यूज़ होता है और डैट कब यूज़ होता है, हाँ पता तो है ही कि दिस इज़ अ पेन हो गया, डैट इज़ बुक हो गया, डैट इज़ अ बुक हो गया, ठीक है। तो अब आपको पता है ये दिस कब यूज़ करते हैं और डैट कब यूज़ करते हैं, तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि दिस जो होता है वो जब पास की वस्तु होता है ना तो पास की वस्तु के लिए होता है। आप लोग खुद ही ट्राई करिएगा, आपको पता चल जाएगा पास की वस्तु के लिए होता है दिस, तुरंत बताएंगे ना। दैट का मतलब आप तुरंत इशारा करेंगे कि दैट इज़, दिस है तो दिस इज़, आप लोग खुद ट्राई करके देखिए। और ये दूर की वस्तु के लिए होता है,
दूर की वस्तु। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ में आया आपको? कमेंट करिए तो फटाक से। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा बैक करके 10 सेकंड की। तो जो आपका दिस है वो आपका पास की वस्तु के लिए होता है, और हम प्रयोग लिख देते हैं, वरना कहेंगे कि आप पास की वस्तु, तो प्रयोग। ठीक है, पास की वस्तु के लिए प्रयोग होता है और ये दूर की वस्तु के लिए प्रयोग होता है। तो हो गया आपका एग्जाम्पल के लिए, ये हो गया। ठीक है, तो अब आता है कि ए और एन कब लगाते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा ए कब लगता है और एन कब लगता है। जब आपको कहीं वॉवेल मिला तब आप यूज़ क्या करेंगे, एन। कब यूज़ करेंगे, जब आपको वॉवेल मिलेगा। वॉवेल यानी कि स्वर, सॉरी, वॉवेल यानी कि स्वर। ठीक है, जब आपको ये मिलेगा, जैसे अंडा, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो ठीक है, जो लोग वेजिटेरियन हैं तो वैसे कहा जाता है अंडा नॉन वेज नहीं होता, तो और बियर दारू नहीं होती, तो वो सब के बारे में मत सोचिए। हम एग्जांपल के, आप लोग मीम्स पढ़ते होंगे तो आपको मिलता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो मीम्स ना पढ़ता हो। तो ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। तो जैसे होता है अम्ब्रेला पे आ जाते हैं, चलिए नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन छोड़िए, तो अम्ब्रेला पे आते हैं, तो होता है ना जैसे दिस इज एन अम्ब्रेला, एन हो गया ना अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हुआ। अब हमने बताया था कि आपके जो वॉवेल होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, तो इसमें कौन सा वॉवेल आया, यू आया ना, देखिए आपका एन आया। जब ए होगा तो वहाँ आप कॉन्सोनेंट के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए होता है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो फिर क्या लिखेंगे, दिस इज अ मैंगो। अब आप बताइए इसमें कहाँ से कोई आया है वर्ड, नहीं, आपका एम आया यानी कि आपका कॉन्सोनेंट आया है। इतना समझ में आया कि एन कब यूज़ करेंगे और ए कब यूज़ करेंगे। ये होते आर्टिकल्स हैं, आपका एक आर्टिकल ये भी होता है, द होता है। ठीक है, तो जब आर्टिकल आपको बताया जाएगा तब बताया जाएगा। अब इतना जान लीजिए कि इनको आर्टिकल बोलते हैं, इतना समझ जाइए। इनका बहुत यूज़ होता है आपकी अंग्रेज़ी में, तो इतना समझते रहिएगा। ये आर्टिकल हो गया आपका, ये दिस इज़ अ पेन में आपका ये आर्टिकल है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, या और ये आपके, ये आपका लिंकिंग वर्ब भी होता है। ठीक है, इज़ एम आर जो भी हैं, आपके ऑक्सिलरी भी आते हैं, आपके लिंकिंग भी आते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा जब आपको वर्ब बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर वो बहुत डीप पढ़ना है तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पढ़ाएंगे। अगर ऊपर ऊपर पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं है, वैसे हम पढ़ाएंगे ज़रूर। तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो अच्छा लगता है ना, कि कोई वाकई पढ़ना चाहता है या क्लासेस समझ में आ रही हैं। देखिए, लाइक कमेंट शेयर तो आप सत्यम क्लासेस को करिए ही करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं बहुत अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप बस इतना, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आई अश्योर आप लोग कभी रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपने कुछ पढ़ा नहीं था, क्योंकि जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही, फालतू आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा और ना आपको फालतू कुछ पढ़ना पड़ेगा खुद से। तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करेंगे, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, दोनों ही सफल होंगे, आप भी और सत्यम क्लासेस भी। तो ज़रूर 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 ज्वाइन करिए। ठीक है, और हम बोरिंग लगते हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इतना आपको समझ में आया कि दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है, दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया तो थैंक यू, हम बोल देते हैं अगर समझ में आया तो, आप हमको समझने के लिए थैंक यू। तो आगे देखते हैं, अब आपका आता है दिस और दोज। ठीक है, अब इतना हो गया तो दिस और दोज पे आते हैं, सॉरी दीज और दोज पे आते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दीज मतलब होता है ये सब हिंदी में, और दोज मतलब होता है, दोज मतलब होता है वे सब। ठीक है, अच्छा आप लोग एक ट्रांसलेशन बताइएगा कि वे मेरे भाई हैं। ठीक है, वे मेरे भाई हैं, भाई हैं,
तो इसको क्या लिखेंगे? वे को आप लोग को पता है कि वे की स्पेलिंग होती है दे, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि लड़का है वह हुआ तो हो गया ही, और लड़की है तो हो गया शी, इतना तो पता ही है आपको। और वे का क्या होता है? दे होता है, ठीक है। लड़का है तो ये हो गया मेल, और ये हो गई आपकी फीमेल, ठीक है। फीमेल, तो फीमेल के लिए शी यूज़ होता है और मेल के लिए ही यूज़ होता है। और आपका जो न्यूटर जेंडर होता है, यानी जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके लिए आपका इट यूज़ होता है, ठीक है। उनके लिए इट भी यूज़ होता है और डैट भी यूज़ होता है, ठीक है। इट हो गया यहाँ पे यह, और डैट हो गया आपका वह, ठीक है। इतना समझ में आया? ये न्यूटर के लिए होता है, यानी कि नपुंसक चीज़ों के लिए होता है जो निर्जीव होती हैं। तो ये आपका हो गया। अब इसको आप क्या बताएंगे? दे, हाँ दे बताएंगे, दे आर माई ब्रदर। जितने लोग ये बता रहे हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम है, ये गलत है, ये नहीं होगा। जैसे आपको पता है अपने छोटों से, छोटों के लिए हम तुम यानी यू यूज़ करते हैं ना, और बड़ों के लिए हिंदी में आप यूज़ करते हैं, अंग्रेजी में यू ही रहता है, इतना सबको पता है। तो यहाँ पे अब वो मेरे से आप क्या समझ रहे हैं? मेरा तो बोलेंगे नहीं, वो मेरे यानी कि वो बड़े हो गए आपसे। क्या हो गए? बड़े हो गए। अगर हो जाता वह मेरा भाई है, ठीक है। जैसे लड़के बोलते हैं ना अपन भाई है, वह मेरा भाई है, तो बहुत लड़कों में बहुत भाईचारा चलता है, लड़कियों में उतनी बहनशिप नहीं चलती होगी, ये बहुत रेयर ही आपको मिलेगा, बहुत रेयर, लड़कियों में बहुत रेयर मिलेगा, लड़कों में भी कुछ धोखेबाज मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं कोई कह सकता। तो जिसने वो चीज़ फील की होगी उसको पता होगा। फिर खैर उस पर नहीं जाते हैं, आगे देखते हैं। तो ये देखते हैं, वे मेरे भाई हैं, तो इसका मतलब बड़े हो गया, यानी मुझसे बड़े रिस्पेक्ट दी जा रही है, यानी आपके थ्रू में बात की जा रही है, ठीक है। मेरे आपको ये हो गया बड़े, और मेरा आपका डिफाइन करता है छोटा। क्या डिफाइन करता है? छोटा। तो यहाँ पे ही इज़ माई ब्रदर होगा, ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो यहाँ पे यही होगा, ही इज़ माई ब्रदर ही होगा, समझे, यही होगा। वे जो हैं वो आपका दे नहीं लगेगा। वैसे वे मेरे भाई अगर बहुवचन में आप जाएंगे ना तो दे आर माई ब्रदर्स होगा, ठीक है। ये आपका बहुवचन के लिए यूज़ होता है, इतना समझ में आया। अगर आप वे मेरे भाई हैं तो भाई ये नहीं हो जाएगा ना, तो ये आपका एस लगाएंगे तो आपका बहुवचन में जाएगा। अगर ये आप इकलौता किसी को बता रहे हैं और वो बड़े हैं तो आप इसको ही इज़ माई ब्रदर ही लिखेंगे। अगर आपने लिख दिया वे मेरे बड़े भाई हैं तो एल्डर ब्रदर हो गया। आपने बोल दिया मेरे छोटा भाई है तो यंगर ब्रदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यंगर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बड़ा आपने लिख दिया तो यहाँ आपका ब्रदर के आगे आप क्या लिखेंगे? एल्डर लिखेंगे, ठीक है। बस इतना सा अंतर होता है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर ही बनी है, छोटी छोटी चीज़ें पर थोड़ी सी घुमावदार चीज़ें, ठीक है। इतना समझ में आया? तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। हम लोग के टीचर ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछते थे, और बहुत हम लोग अब क्या आप लोग से छुपाएं, डांट भी खाए हैं, मार भी खाए हैं। तो ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो कह सकता है हम कभी मार ना खाए हूँ, कोई भी नहीं, कोई एक सिंगल पर्सन भी नहीं कहेगा कि मार नहीं खाए। बिना मार खाए पढ़ाई होती है कहीं? कहीं नहीं होती है। अब तो बैन हो गया मारना बच्चों को, वरना हम लोग से कोई पूछे छड़ी देख के एक बार लग जाता था कि आज तो प्रसाद मिलेगा मिलेगा। कभी बच जाते थे तो उससे ज़्यादा खुशी होती थी प्रसाद नहीं खाए हैं। वो प्रसाद खाना कौन चाहता है? मीठा थोड़ी होता है, कि मीठा होता है भाई, जिसको लगा हो उसका, सबका अलग अलग टेस्ट होता है ना। आप लोग का टेस्ट पता नहीं कैसा है, तो जिसका अच्छा लगा होगा वो भी कमेंट कर देगा कि मैम अच्छा लगा था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे दीज हो गया, ये सब, दोज हो गया, वे सब। तो जैसे आपका होता है, ओहो सॉरी, जैसे दीज भी आपका पास की वस्तु के लिए ही होता है, ठीक है, पास की वस्तु के लिए होता है। और आपका दोज जो होता है वो दूर की वस्तु के लिए होता है, दूर की वस्तु के लिए होता है, ठीक है।
तो जैसे आपका दिस हो गया वैसे आपका दीज हो गया, जैसे आपका दोज हो गया वैसे आपका दैट हो गया। तो जो दिस है वो सिंगुलर और दैट भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपका डिफाइन करती हैं प्लूरल। अब आई होप कि आपका प्रोनंसिएशन अच्छा हो गया होगा। ये सब मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये प्लूरल होता है। और आपका जो दिस और दैट होता है, जैसे कि हमने बताया आपको, दिस और दैट जो होता है वो आपका होता है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर होता है। तो अब दिस के, दिस और दैट के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, चलिए बताइए कमेंट करिए फटाक से, या मन में बोलिए। तो इज यूज़ करते हैं ना, इज, तो इन दोनों के साथ, दीज और दोज के साथ यूज़ होता है आर, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के रूप में देखिए, एग्ज़ाम्पल देखिए आप कि दीज आर बुक्स, ठीक है, दीज आर बुक्स, ये सब किताबें हैं। देखिए एस लगा, कौन क्या आया, प्लूरल आया। और दैट इज़ बुक होगा तो आपका इज ही लगेगा, और आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा, एस बुक में एस नहीं लगेगा, दैट इज़ बुक में, ठीक है। तो चलिए अब दोज हो गया, दोज आर काउज, ठीक है, यही होता है ना। तो वे सब गायें हैं, ठीक है, गायें हैं, गाय, गाय जो दूध देती है, गाय, ठीक है। गाना गाय भी होता है, गाय भी होता है, तो ये गाय है, गाना वाला नहीं है। तो इतना हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो और भी बता दें एग्जांपल्स, चलिए बता देते हैं। और तो वैसे कुछ छूट नहीं रहा है इसमें बताने में, अब आपका आर्टिकल ही आता है। तो आर्टिकल जैसे कि हमने बताया ए एन और द होता है, तो आप आर्टिकल कब यूज़ करते हैं, जब आपको वॉवल्स मिलेंगे ना तब आप ए एन का यूज़ करते हैं। और द जो होता है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है, जैसे आपकी नदी है, यही एक चीज़ बता देते हैं आपको, फिर आर्टिकल पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे। जैसे आपका जो आर्टिकल होता है, जब आर्टिकल अच्छे से पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे, अभी थोड़ा सा जान लीजिए। तो आपका ए होता है, एन होता है और द होता है, ठीक है। तो बहुत आप लोगों ने सुना होगा द गंगा, सुना है ना, तो गंगा एक ही है ना कि दस है, एक ही है ना। तो जब द गंगा है वो क्या है, स्पेसिफिक चीज़ होगी कि नहीं होगी, भाई गंगा माता है, स्पेसिफिक चीज़ है। फिर ए आपका कब लगता है, जब कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। और एन कब लगता है, जब आपका वोवेल हो। तो इतना समझ में आ गया, दिस दोज भी समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा कैन के बारे में, तो आप लोग डेली यूज में यूज करते होंगे ना, आई कैन डू इट, आई कैन प्रूव इट, वही सारी वही कैन, वो थम्सअप और वो कोका कोला वाला कैन नहीं। कोरोना है तो अगर आप लोग कोई लोग पी रहे होंगे ना तो मत पीजिएगा कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो चलिए कैन का यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ कैसे करते हैं, गलती हुई नहीं, इरेज पहले हो रहा, सॉरी भी नहीं बोल रहे हम। कैन का यूज़ बताते हैं आपको। देखिए ये सारी चीज़ें आपको शुरू समझ से बता रहे हैं, क्योंकि जिसको अंग्रेजी बोलने आती है ठीक है, जिसको नहीं आती वो थोड़ा बहुत तो खुद में ट्राई करेगा ना बोलने का, बस उसी लिए बता रहे हैं। तो चलिए कैन के बारे में बताते हैं। तो जैसे आप लोग कैन यूज़ करते हैं तो इसको देखिए ऐसे लिखते हैं ना, आई कैन गो, यानी कि मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। देखिए अब इसमें जो कैन और मे दो चीज़ें होती हैं, आप लोग स्कूल में रहे होंगे तो प्रिंसिपल ऑफिस या स्टाफ रूम में जाते होंगे ना, तो पूछते होंगे मे आई कम इन, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जब आज्ञा मांगी जाएगी तो आप मे का यूज़ करते हैं। क्या पूछते थे आप स्कूलों में कि मे आई कम इन, पता है प्रॉब्लम क्या होती थी, ये कमिंग हो जाता था,
ये कमिंग हो जाता था, मे आई कमिंग, ये प्रोनाउंसिएशन सुनाई ये पड़ता था, साउंड ये आता था, वही आप तुरंत बोले मे आई कमिंग तो यही सुनाई पड़ेगा, सुनाई पड़ा ना, तो ये गलत है, तो ये नहीं होता है। कम इन होता है, इन मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। इन मतलब मे भी होता है, वो प्रीपोजिशन अलग है। तो अंदर का इन होता है, बाहर का आउट होता है, तो वैसे तो इनसाइड होता है और आउटसाइड होता है, तो इतना जानते रहिएगा, ठीक है। तो इनसाइड नहीं बोलते थे, वो क्या बोलते थे हम लोग कि मे आई कम इन, तो इनसाइड हम लोग खा जाते थे, ऐसा समझिए खा जाते थे, तो वही है। तो इतना समझिएगा, कैन जो है आप लोग जैसे बोलते ना एकदम कि आई कैन गो, मतलब मैं जा सकता हूँ, बोलते यहाँ जा सकते हो, हाँ क्यों नहीं जा सकता हूँ, तो वही वाली चीज़ है, मतलब दृढ़ता के लिए, तो ये आज्ञा के लिए हो जाएगा। इतना समझ में आया, चलिए इसको और अच्छे से समझा देते हैं आपको। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना होगा ना, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से पूछें, जो भी आपको इंग्लिश में ना आता हो आप लोग पूछेगा, हम कोशिश करेंगे कि वो हम आपको अच्छे से डिफाइन कर सकें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब कैन का यूज़ कब करते हैं, जैसे कोई कहा क्या तुम ये कर सकते हो, कैन यू डू इट, तो आप तुरंत बोलेंगे यस आई कैन डू इट, तो क्या दृढ़ता प्रकट करते हैं, तो कैन वही होता है। तो जैसे हो गया कि कैन आई गो, जैसे इसको एक सिंपल में अगर आप समझिए, तो जब आप सिंपल वर्ड यूज़ करेंगे तो होता है आई कैन रीड, ठीक है, आई कैन रीड। हिंदी होती है मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, ये कैन का हिंदी है सकता या सकना होता है, ठीक है, पढ़ सकता हूँ, ठीक है। अभी ये आपका हो गया सिंपल, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस है आपका, ठीक। फिर आपका आता है नेगेटिव, तो आई कैन नॉट रीड, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका नॉट हो गया, तो इसको आप नेगेटिव में क्या लिख सकते हैं, देखिए एक कैन नॉट होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये कैन नॉट हो गया। आप शॉर्ट फॉर्म इसका कैंट होता है, ठीक है, जो कांट होता है, अभी आप हमने बताया ना कि एक्सेंट अलग होती है, तो बहुत आई कैंट बोलते हैं, तो आप कांट बोलते हैं, आई कांट डू दिस, तो आप जब थोड़ी सी एक्सेंट चेंज होती है ना, तो ये कैंट हो जाता है। जैसे आप जब थोड़ा सा इटैलिक एक्सेंट में जाएंगे ना, तो वहाँ त, जो आपका जो ट है वो त में चलता है, जैसे आप लोग ट्रस्ट बोलते हैं ना, हम यहीं से एक्सेंट में समझते जाइएगा, थोड़ी बहुत जो हमको पता है हम आपको बता देते हैं। जैसे बोलते हैं आई कैन ट्रस्ट यू, तो जब थोड़ा सा इटैलिक उसमें जाएंगे ना, या रशियन उसमें, तो ये त्रस्त हो जाता है, आई कैन त्रस्त यू, ठीक है, त्रस्त हो जाता है, क्या हो जाता है, त्रस्त वाला, ये त्रस्त हो जाता है। तो आप लोग अपना, हमने पहले भी कहा, टंग ट्विस्ट के चक्कर में अपनी एक्सेंट मत बिगाड़िएगा, तो मतलब सच में मत बिगाड़िएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हम ट्राई किए हैं ना, तो कभी कभी एक्सेंट गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा इधर उधर, कभी अमेरिकन में चली जाएगी, कभी ऐसे ही त्रस्त वाला काम होता है, तब लोग मत करिएगा, तो इसलिए बता रहे। अब आपको समझ रहे ना, आप लोग, हमने कहा कि आप लोग इंडियन एक्सेंट में बोलेंगे आई कैन ट्रस्ट यू, तो या फिर आई कैन ट्रस्ट यू, तो जो ये त्रस्त वाली होती है ना, तो आई कैन त्रस्त यू हो जाता है। तो ये कैंट जो होता है, ये आपका एक्सेंट चेंज होती है, आपकी इंडियन एक्सेंट नहीं, इंडियन एक्सेंट में इसको कांट बोलते हैं, कांट, और वैसे कैंट हो जाता है, ये कैंट, ठीक है, कैंट ख नहीं होता है, वो साउंड खै का आता है, खैंट होता है, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो अपना चेंज मत करने लगेगा, टंग ट्विस्ट तो यूज़ ही मत करिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा, कभी कभी हमसे होता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ये कांट होता है। तो आप चाहे कैन नॉट ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सही है। ये आपका नेगेटिव, तो इसका हिंदी क्या होगा, मैं नहीं, या मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, या मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं, हम एक ही साथ लिखते हैं, आप लोग कहेंगे कि मैम शब्द इधर उधर कर रही है, वाइस वर्सा चल रहा है, नहीं, तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया। जब आपका इंट्रोगेटिव आएगा तो हो जाएगा कैन आई रीड। और एक चीज़ आप लोग नोट करिएगा, आप लोग ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म पढ़ते होंगे ना वर्ब की, V1, V2, V3,
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रीड होता है, ये रेड होता है, ये रेड होता है, ठीक है। ये आपको अगर पढ़ना होगा तो ऐसे हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे, अभी जो जो बताते जा रहे नोट करते जाइए। कॉपी पेन लेके बैठे हैं कि बस सुनते जा रहे हैं कथा जैसा ही। बहुत लोग तो वीडियो छोड़ भी दिए होंगे तो। और फिर ये भी रेड होता है, ठीक है। तो ये भी रेड होता है, रीड रेड रेड होता है, ठीक है। तो अगर आप ये जब पास्ट में पढ़ेंगे ना तो ये रेड होगा, या फिर आप जो भी परफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे उसमें भी ये थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म जो भी यूज़ होती है पास्ट परफेक्ट में, तो लगभग थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, तो यही होगा। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, स्पेलिंग वही होती है लेकिन उसका जो अर्थ होता है यानी जो उसका उच्चारण होता है वो रेड होता है, ठीक है। तो ये आपका तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म ही चल रहा है, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म ही चल रही है आपकी। तो कैन आई रीड, तो ये आपका यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, जैसे कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना भूल गए थे हम, सॉरी। तो कैन आई रीड, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव, ठीक है। और ये इसका होता है क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ। अब आप लोग कहेंगे भैया पढ़ तुम हो सकते हो, जानो चाहे ना जानो, नहीं तुम्हारा मैटर है, पर्सनल मैटर है। तो आपका ये भी पर्सनल मैटर ना हो, प्रोफेशनली रहे तो अच्छा है। तो चलिए देखते हैं, और जब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा तो कैन आई नॉट रीड होगा, ठीक है। कर्ता के बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे, कर्ता आपका क्या है आई, तो आप नॉट कब यूज़ करेंगे, कर्ता के बाद। तो आपका ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या, सॉरी मैं यहाँ ई लिखना भूल गए थे, तो आई एन टी ई डबल आर ओ होता है ना इंट्रोगेटिव, तो ये जब होगा तो ये होगा आपका, हम अच्छे से लिख देते हैं, इंटेरोगेशन होता है ना, किसी का हुआ है उम्मीद कर, आशा करें कभी हो ना हो, तो इंटेरो होता है, ठीक है। जब आपका इंट्रोगेटिव होगा तो इसका यूज होगा, यहाँ पे भी आप लोग सही कर लीजिएगा, टी ई डबल आर ओ, ठीक है। जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो इसका बनेगा आपका क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, ये भी तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तो चलिए आगे देखते हैं, इतना समझ में आया, आई होप कि समझ आया होगा, तो कमेंट कर दीजिएगा अगर समझ आ गया हो तो। तो वैसे कैन में ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं बताने के लिए, बस इतनी सी ही होती हैं, बस आपका सिंपल होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रो होता है और इंट्रो प्लस नेगेटिव होता है। अब रही आपकी, आपका मे आता है, ठीक है। तो अगर देखते हैं मे, तो जब आप आज्ञा मांगते हैं, ठीक है, मे, मई वाला नहीं, आज्ञा, ये आज्ञा के लिए होता है, ठीक है। ये आज्ञा जब मांगते हैं, जैसे आप, हमें बताया ना क्लास में आने के लिए या फिर प्रिंसिपल के रूम में जाने के लिए या फिर स्टाफ रूम जो टीचर्स का रूम होता है वहाँ जाने के लिए आप पूछते हैं ना कि मे आई कम इन, हैंड राइटिंग सुधरी ना, वो भी बता दीजिएगा। तो मे का हो गया आज्ञा, आज्ञा सूचक होता है थोड़ा सा ये, क्योंकि आप आज्ञा मांगते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, आप शॉपिंग मॉल में जाइए या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाइए, तो बहुत रेस्टोरेंट की स्पेलिंग, आप रेस्तरा भी होता है, रेस्तरा भी होता है, जैसा हम लोगों ने कहा है, एक्सेंट पर मैटर करता है, बहुत जगह भाव के लिए रेस्टोरेंट भी होता है, तो रेस्टोरेंट होता है, बहुत लोग बोलते हैं रेस्टोरेंट बोलते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं। तो मे आज्ञा क्यों लगे, तो मे आई कम इन बोलते हैं ना, तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तब बोला जाता है, या तो यस बोला जाएगा या तो फिर नो बोला जाएगा, तो ज़्यादातर आपको यस ही मिला होगा, तो नो तो जल्दी मिलता नहीं, नो बहुत रेयर रहा होगा,
तो या तो आप खुद ही घूम आए होंगे अगर वहाँ बिजी या कोई मीटिंग चल रही हो तो, इसलिए तो अभी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाइए या किसी रेस्टोरेंट वगैरह होटल्स वगैरह में जाइए तो वहाँ के स्टाफ आपसे पूछते हैं कैन आई हेल्प यू, नहीं पूछेंगे, बहुत कम पूछेंगे, बहुत कम, ज़्यादा जो सही होता है वो लोग मे पूछते हैं, मे आई हेल्प यू पूछते हैं ना, गए होंगे रेस्टोरेंट में तो ये भी बोलते होंगे कैन आई हैव योर ऑर्डर प्लीज़, या आप लोग जाते होंगे किसी रेस्टोरेंट में तो आप लोग बोलते हैं ना कि तो आप लोग जब रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे तो आपको ये मिलते होंगे, लोग पूछते होंगे वहाँ के स्टाफ कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आप लोग बोलते होंगे यस, या आपको जो कुछ लेना होगा वहाँ का सेक्शन पूछते होंगे कि ये कहाँ मिलेगा, तो सेक्शन बोला तो आप लोग ये मत समझे फिर से ओरिजिन पढ़ाया, नहीं, सेक्शन में कपड़ों का जो होता है जगह वो पूछते होंगे कि जैकेट्स कहाँ मिलेंगी या फिर शर्ट्स कहाँ मिलेंगी वगैरह वगैरह, तो वही सारी चीज़ें। तो ये मे जो होता है आज्ञा के लिए होता है, ठीक है, तो इसका आंसर दो में ही आता है, या तो पॉजिटिव आएगा या तो फिर नेगेटिव आएगा, यही दो आएगा, नेवर नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ मत जाइएगा, ये पॉजिटिव में आएगा या आपका नेगेटिव आएगा। देखिए आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका दो ही आंसर आता है, या तो पॉजिटिव में आएगा या तो नेगेटिव में आएगा, और वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं वो अलग होता है कि इनमें से कोई नहीं, कांट डिटरमाइन, ऐसा होता है ना, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो कैन में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि मे जो होता है आपका आज्ञा के लिए होता है, ठीक है, तो इतना समझ में आया, तो अगर समझ में आया हो तो थैंक यू। बस हम इतना कहेंगे कि आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, और किसी अच्छे खाते पीते वाले को देखें तो खाते पीते के घर के हो बोलते रहिए, मोटा बिल्कुल मत बोलिएगा। सत्यम क्लासेस को ज्वाइन करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके आप लोग पढ़िए, क्योंकि देखिए यूपी टेट का तो पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन आपके सेमेस्टर्स का तो अभी हमको पता नहीं, लेकिन हो सकता है हो, तो सेमेस्टर की तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस बुक से ही पढ़ने को मिल जाएंगी, क्वेश्चन आंसर जो आते हैं उसमें कुछ मिसलेनियस आता है, जैसे आपको वन वर्ड आंसर आता है और लेटर्स आता है और एक निबंध दीजिएगा उठा के डिसिप्लिन पर लिखने के लिए या किसी चीज़ पर, तो आपको वो डिसिप्लिन तो आपको पता है क्योंकि आपको बचपन से दिखाया जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यही वाली चीज़ें हैं, तो वही सारा डिसिप्लिन होता है। तो आपको ये नहीं पता है कि वो निबंध पूछेगा किस पे, तो वो एकदम अपठित आता है, वो आपको खुद से लिखना होता है। तो रही बात डिसिप्लिन की, तो आपको पता ही है आप अपनी निजी ज़िंदगी में आज भी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, लड़कों को कम लड़कियों को ज़्यादा डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है, जो कि गलत है एक तरह से देखा जाए तो। डिसिप्लिन दोनों के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि समाज में दोनों को रहना है, तो जिम्मेदारी दोनों की ही बनती है। हम ये नहीं कहते कि लड़कियों को खुली छूट देनी चाहिए, लड़कों को खुली छूट देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, आज़ादी दोनों को मिलनी चाहिए, बशर्ते आप उसका यूज़ कैसे करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। तो वो ये सारी सामाजिक चीज़ें हैं, तो अगर किसी का सामाजिक टॉपिक पढ़ने का मन होगा तो बता देगा, कभी एक क्लास रख लेंगे उसकी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बेवजह बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, और अगर मजबूरी में जाना पड़े तो आपसे रिक्वेस्ट है अपना ख्याल अच्छे से रख कर जाएगा, यानी कि मास्क और सैनिटाइज़र बिल्कुल यूज़ करते रहिए, रेगुलर यूज़ करते रहिए, बाहर जाइए तो भी, बाहर से आइए तो भी, क्योंकि आपकी सुरक्षा मतलब अपनों की सुरक्षा, डिटॉल वाला ऐड नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू एंड बाय।